मनीष सिसोदिया से तिहाड़ में ईडी की पूछताछ। केजरीवाल बोले, देशभक्त पर झूठा केस थोपा, जेल की कोठरी सिसोदिया का हौसला नहीं तोड़ पाएगी। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने वाली है। ईडी सिसोदिया से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में ही पूछताछ करने पहुँच गयी है। इसके पहले ईडी सिसोदिया का बयान रिकॉर्ड करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से इजाजत मांगी थी। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ईडी के सवालों की लिस्ट भी बताई गई है। पहला, 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं? शराब नीति में बदलाव क्यों किया? ईडी को सिसोदिया से कोर्ट से 3 दिन तक पूछताछ करने की परमिशन मिली है। केरल के सीएम विजयन ने सिसोदिया के सपोर्ट में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया को लेकर कहा, आज मैं चिंतित हूँ तो देश के लिए, सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के लिए नहीं, वे दोनों बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी सिसोदिया के हौसले नहीं तोड़ पाएगी। केजरीवाल ने कहा, मैंने तय किया है होली पर पूरा दिन देश के लिए ध्यान करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है, होली मनाने के बाद थोड़ी देर के लिए देश के लिए पूजा करना। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।